हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल बिस्ट में। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग है, शायद से मेरे को नहीं पता कि किसके लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन हाँ ज़रूर बहुत सारे बंदे होंगे जिनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने भी खुद पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था, जो कि मेरी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने पेमेंट नहीं करी थी, मैंने सोचा था कि ये सिर्फ मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे इसको अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम मैंने पेमेंट नहीं करी थी। तो अभी मेरा मन है पेमेंट करने का, तो हो सकता है कहीं मेरी सिचुएशन और लोगों के साथ भी हो, लेकिन हम टाइम टू टाइम भूल जाते हैं कि हमें क्या पासवर्ड रखा था, क्या उसका हमारी आईडी थी, ठीक है, यूज़र आईडी। तो वो चीज़ हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन निकाल दी है, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो प्ले स्टोर में अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो पहले मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और लिंक तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे अगर आप पासवर्ड डालेंगे या फिर पासवर्ड सेवा ऐप कुछ भी डालेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इसका जो आइकन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप नया दोबारा से करना चाहते हैं, मतलब कि नया आप एक बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये रहा न्यू यूज़र। सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्टर, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहले मैंने बताया था वेबसाइट से जाकर के, सेम वही ऑप्शन आएंगे इसमें, आप उसी को फॉलो करके एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ईजी है, वेबसाइट पर नहीं जाना, कंप्यूटर नहीं खोलना, सिंपली आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो इसको ना करके अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा इसका, ठीक है, अगर आपने अप्लाई करा था, पेमेंट नहीं करी थी, तो मतलब आगे प्रोसेस नहीं करा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो यही आ रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए लॉगिन अगर है, लॉगिन आईडी आपको अगर देखिए, ज़्यादातर हम जो लॉगिन आईडी बनाते हैं वो अपनी फेसबुक की या फिर अपनी जीमेल की आईडी ही बनाते हैं, तो इतना तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिए कि आपने क्या उसमें लॉगिन आईडी डाली थी। तो नीचे आ रहा है ना यहाँ पे ट्रबल लॉगिंग इन, तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना है आपको सबसे पहले। और हाँ, अगर आपको चेक करने की वो लॉगिन आईडी है कि नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले देखिए बैक जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिए, जैसे मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने मेल आईडी बना दी, डाल दी अपनी। अब मुझे नहीं पता ये मेल आईडी है कि नहीं है, तो ज़रूरी सी बात है अगर इसमें अप्लाई हो जाता है, मतलब बता देता कि हाँ ये रजिस्टर था, तो ज़रूर आपने करा होगा, कोई दूसरा तो नहीं करेगा, तो इससे कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये भी पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये मेल आईडी, ठीक है। तो क्या करना है अभी आपको, बैक करना है। बैक करने के बाद न्यू यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन ट्रबल आ रहा है ना, ट्रबल लॉगिन करके, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है, वही जो पहले डाली थी, मेल आईडी डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपका ये सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर देखिए दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, रीसेट आपको ईमेल के थ्रू करना है, या फिर आप रीसेट इसको हिंट क्वेश्चन, क्योंकि जब आपने अप्लाई करा होगा तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन डाला होगा, जैसे कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है, कहाँ पैदा हुए थे, कौन सा आपका पहला स्कूल था, तो आपने उसका आंसर दिया होगा। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप हिंट से करिए, और मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप ईमेल आईडी से करिए, ताकि ईमेल आईडी तो आपके पास होगी और वहाँ पर लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करूँगा। तो इतनी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लिंक सेंड यू, ठीक है। तो इन्होंने हमारी मेल आईडी पे लिंक भेज दिया है, तो मैं वहाँ पे जाके भी इसको चेक कर लेता हूँ क्या मेल आया है, और उस पर आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासपोर्ट डॉट एडमिन से मेल आया है, आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। लिंक पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम उनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया रीसेट पासवर्ड करने के लिए, तो सेम यूज़र आईडी डालना है आपको, अपनी मेल आईडी डालनी है। सो गाइस, रीसेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे सबसे पहले डालनी है, ठीक है, यूज़र आईडी जो आपने वहाँ पे डाली थी। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, पासवर्ड आप नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं और उसको कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे यूज़र आईडी और डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आपका पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, अभी यहाँ पे रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम दोबारा से एप्लीकेशन पे जाते हैं, और एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसमें लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे ही जाना है आपको, फर्स्ट ऑप्शन पे। यूज़र आईडी डालने के बाद आप इसमें ओके करेंगे, कंटिन्यू। पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिलअप करते हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉगिन आपका तुरंत लॉगिन हो जाएगा। करने के बाद आपके पास ये तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के लिए नया पासवर्ड, नया पासपोर्ट का, और रीइशू करवाना है तो नया आपके जो पासवर्ड पुराना है उसको, तो फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये तो आगे का प्रोसेस है तो इसको आपको छोड़ ही देना है। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, अगर आपने जो लास्ट सेव करी थी सबमिट करी थी उस पर आपको चेक करना है। तो हाँ, हम ऑफकोर्स ही बात है थर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसे ही नजर आए, नो सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशंस फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपने बहुत टाइम पहले अप्लाई करा होगा तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ओके करना है और यहीं से ही आप जाइएगा, दोबारा से शुरू के पेज में ना जाके आपको यहीं से अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहीं से आपको आगे का प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक की जो आज का जो वीडियो था वो यही था कि आपको कैसे अपना आईडी पासवर्ड रीसेट करना है अगर आप उसको भूल चुके हैं, आपने पहले अप्लाई करा था और अभी आप पेमेंट करना चाहते हैं या आगे का प्रोसेस जानना चाहते हैं या फिर सेव्ड आपकी जो एप्लीकेशंस को चेक करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने आईडी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।